तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हो आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, ठीक है। और आप लोगों का पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रहा होगा। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज 1 अगस्त, ठीक है, और ये मॉर्निंग में वीडियो बन रहा है। और आप लोगों का 17 अगस्त से जो है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम शेड्यूल जारी होगा कि कब कब कौन कौन शिफ्टों में एग्ज़ाम चलेगा, कितनों शिफ्टों में एग्ज़ाम चलेगा। तो सबसे पहले तो जो लोग ये बात सोच रहे हैं कि मेरा इस शिफ्ट में ना हो के मतलब लेट से एग्ज़ाम होगा, ये होगा, तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बस हर लोगों को ये सोचना, जो भी तैयारी करे दिल से डेडिकेटेड तैयारी करे, समझो कि मेरा एग्ज़ाम 17 तारीख से स्टार्ट हो, ये सोच करके तैयारी करना है। और इस हिसाब से देखो, 17 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है, तो 17 तारीख एग्जाम से पहले मैंने क्या चीज़ को कंप्लीट कर रखा है। सबसे पहले आज इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूंगा, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, ठीक है। और आप लोगों को क्या क्या करना, अभी से जितना भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखा उसको एकदम से रिवीजन करना, ठीक है। मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार हो आपको अल्टरनेट दे करके बस उसका शेड्यूल बनाओ कि आप तरीका आपका होना चाहिए कि आपको कैसे रिवीजन करना है। जैसे ये नहीं कि आपका 20 पेज का नोट्स है तो 20 पेज एक ही दिन लेकर के बैठ गए, बस उसको डिवाइड कर दो, है ना। चीज़ों को डिवाइड करोगे तो बहुत आपके लिए आसान होता है, और चीज़ों डिवाइड हुए चीज़ों को आप लोग उसको टाइम दे करके याद करो। जैसे आप 10 पेज हैं तो 10 40 पेज का नोट्स उसको 10 पेज में डिवाइड कर दो, हो गया ना। 10 पेज के 4 दिन, तो चारों दिन आपको एक दिन 10 पेज करना है, फिर अगला दिन 10 पेज करना है, फिर अगले दिन 10 पेज करना है, इस तरह करके फिर मल्टीपल टाइम, फिर चारों दिन से वापस उस चीज़ को करके रिवीजन करो। इस तरह रिवीजन करो अभी से एग्जाम तक, तो मैं बोल रहा हूँ ना, वो आपके दिमाग एकदम छप जाएगा, ठीक है, और अच्छे ढंग से रिवीजन हो जाएगा। हाँ, अगर आपको मौका मिलता है बीच में, समय में आधा घंटा मिलता है, तो फिर आधा घंटा जब दिन में या शाम में कभी भी आपको मिला तो उस चीज को वापस से रिवीजन एक बार कर सकते हो। ऐसे क्या होगा ना आपके लिए, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा आपको समय उसके पीछे देना होगा, क्योंकि आपने बहुत सारा सब सिलेबस माया था वगैरह सारा आप लोगों ने कंप्लीट कर रखा होगा, तो अब आपको क्या बच गया, सिर्फ आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो जितना पढ़ रहे हैं, ठीक है, और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो कॉन्सेप्ट आपका पढ़े हो लेकिन आधा अधूरा है, ये समझ में नहीं आ रहा वो समझ, तो उस चीज़ को अभी से जल्दी से एकदम कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। जो लगता है कि मतलब पढ़े थोड़ा सा डाउट है, उस चीज़ को अभी से एकदम कंप्लीट अच्छे से कमांड कर लो, किसी भी तरह से करो, आपके पास नोट्स है, ऑनलाइन टीचर है, उस तरह करके करना है, ठीक है। और रही बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मॉक टेस्ट, तो अभी से मॉक टेस्ट कितना लगाना, तो अभी से मैं बता रहा हूँ। जैसे कि हम लोग इससे पहले एक एक मॉक टेस्ट देते थे, तो अभी से आप लोग डेली हो सके तो जिनका बहुत अच्छा तैयारी है वो दो दो मॉक टेस्ट दो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभी जो है ना आपका मॉक टेस्ट ही काम करेगा, इस समय कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है। आप कितना भी पढ़े हो कोई भी मैटर नहीं करता, लेकिन आप मॉक टेस्ट में क्या परफॉर्म करते हो वो बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि यहाँ का जो मॉक टेस्ट का आपका माहौल रहेगा एग्जाम में भी मतलब लगभग वैसा देखने को मिलेगा। तो आप मॉक टेस्ट पे मेन फोकस करना है, कि मॉक टेस्ट को एकदम टाइम बांध देना है कि दिन में इतना बजे और इतना बजे हमको देना, तो डेली आप लोग मॉक टेस्ट दे सको, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट आप लोग लगाने का कोशिश करो। मतलब मिनिमम अभी से एग्जाम है तो दो दो मॉक टेस्ट तो आपको देना ही है, समझो कि आपने जितना का मॉक टेस्ट परचेज किया उसको एकदम असूल लेना है। 17 दिन में उस चीज को एकदम चीजों को असूल लेना, पैसा पाई पाई उसका वसूल कर लेना, एक एक मॉक टेस्ट को खत्म कर देना है एग्जाम से पहले तक, ठीक है। मॉक टेस्ट तो खत्म करना है, और आपको लगे कि मुझे स्पीड इंक्रीज करना, तो उसमें जो सेक्शनल टेस्ट दे रहे थे, मैथ के दे रहे थे, टॉपिक वाइज, उसको भी खत्म करता है ना, समय मिलता है। अगर आप जैसे जीके जीएस करंट अफेयर समय मिलता है, बेड में सोए हो चाहे लेटे भी हो, तो जीके जीएस का आता है 5 मिनट का, इतने क्वेश्चन आता है उसको भी खत्म कर लो, ठीक है। मैथ का 10 मिनट का जो भी आता है, सेक्शनल टेस्ट, मिनी टेस्ट, जो भी आता है आप एकदम खत्म करो, ठीक है। और डेली मॉक टेस्ट, डेडिकेटेड मॉक टेस्ट दो एकदम डेली देना, प्रीवियस ईयर के भी लगा सकते हो, और जो अभी करंट वाला मॉक टेस्ट वो देना, जिसमें भी नए नए करंट अफेयर आया 2022 के ऐड हुए, वो आप लोग एकदम मॉक टेस्ट लगाना मस्ट है, ठीक है। अब ये मत सोचो कि मैं बहुत सारी चीज़ों को पढ़ूंगा तो अब मॉक टेस्ट लगा, अभी से जो मॉक टेस्ट नहीं लगे पक्का मतलब बहुत ही उनका मतलब एग्जाम में वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको मॉक टेस्ट एकदम लगाना मस्ट है, और चीज़ों को रिवीजन करो। और अभी करंट अफेयर का बात करते हैं, तो करंट अफेयर का देखिए वीडियो नहीं आ रहा था, मैं बता रहा था कि बोर्ड छोटा है, थोड़ा सा दिक्कत होता है और समय नहीं मिल पाता, क्योंकि एक वीडियो बनाने में 2-3 घंटा चला जाता है, और अभी एग्जाम का समय है थोड़ा सा, इसीलिए मैं सोच रहा था डेडिकेशन को एग्जाम पर थोड़ा सा फोकस करूँ, और आप लोग भी एकदम एग्जाम पर फोकस कीजिए। और रही बात करंट अफेयर का, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका, मैं वो लगभग कराया हूँ, है ना, मतलब 70% तो मैं कराया हूँ, बस अब चीज़ें जब नए नए आएंगे उसमें बस आप लोग ऐड कर सकते हो वीडियो को देख करके, ठीक है। तो जैसे हो गया पद्म विभूषण हो गया, फिर आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कितने कितने लोगों को मिला नए वाले, वो भी मैं करा हूँ। फिर आपका जीआई टैक्स के ऊपर हो गया, इंडेक्स के ऊपर हो गया, इंडेक्स से पुराने भी वीडियो वो देखो, इंडेक्स में पुराने वाले वीडियो देखना फायदा क्यों, क्योंकि उसमें नई चीज़ ज़्यादा नहीं आया है, बस आपका कुछ कुछ चीज़ चार पाँच मतलब चार ही पाँच मुश्किल से चीज़ों जो नहीं आएगा तो उसको क्या करो आप साइड में जाकर के लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया मुख्यमंत्री के ऊपर है ना, जो नया होगा आपको लगता है कि नया है तो बस उसको आप लोग ऐड कर सकते हो बुक में, उस तरह करके पढ़ना। और करंट अफेयर के लिए बता दो, मैं स्पीडी बुक है ना, स्पीडी बुक आपको एकदम एग्जाम से पहले इसको खत्म कर देना है पूरा, इसका मतलब पूरा इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब इसमें पढ़ेंगे कैसे, तो आगे का जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक को काउंट कर लो, और इसको डिवाइड करके आप लोग पढ़ सकते हो कि चार टॉपिक को एक दिन पढ़ना, अगला चार टॉपिक को अगले दिन पढ़ना, फिर वापस से अल्टरनेट डे में फिर वापस घुमा घुमा कर उसको रिविजन करना। इस तरह मल्टीपल टाइम रिविजन करते करते क्या होना, एक समय आएगा कि आपके दिमाग में छप जाएगा और क्वेश्चन सीधा देखोगे आप टिक आउट करोगे। और इसमें रही बात सबसे इसका जो की पॉइंट है ना, इसका हर्ट बोला जाता है, तो ये वन लाइनर है, ठीक है, वन लाइनर जो 1 साल का इसका पीछे में होता है, तो पीछे में होता है उसके लिए आपको क्या करना है
बता देता हूँ मैं क्या करता हूँ, है ना, मुझे जो लगता है मैं अपना स्ट्रैटेजी बताऊँ, बाकी आप लोग भी वो कर सकते हो। इसको क्या करना, पीछे का जो वन लाइनर है आप उन देख सकते हो, मैं पहले डेली वाइज पे इसको याद करता हूँ, ठीक है। पीछे जितना भी वन लाइनर है इसको मैंने एक बार ख़त्म कर लिया है पूरा, ठीक है। एक साल का जो भी पढ़ पढ़ के देख रहे हो आप लोगों ने टिकट किया हुआ, एक साल का पढ़ पढ़ के ख़त्म कर लिया। अब क्या करना है इसको, अब मैं क्या करूँगा उस तरह आप करते, तो क्या करना है इसको, 20 पेज है टोटल, मैंने काउंट किया 20 पेज है, 20 को अगर 4 से आप डिवाइड करते हो तो 5 आता है, तो 5 पेज एक दिन में आज 5 पढ़ा, ठीक है। अभी रैंडमली जैसे पोएम पढ़ते हो ना, पोएम बचपन में सुनाते थे 10th क्लास में, उसी तरह पोएम की तरह पढ़ना अच्छा रैंडमली। हाँ, कुछ चीज़ें अगर आपको लगे कि अच्छी चीज़ उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, और लगे कि कुछ चीज़ों को मुझे याद ही करना है, तो उसको ना जैसे अवार्ड हो गया, कुछ हो गया, या खेल से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ है ना, किसी विशेष चीज़ों को मिला, तो उसको ट्रिक से याद करके वहीं पर ट्रिक से और लिख देना है वहीं पर, ठीक है। और रैंडमली उसको रिविजन करना है ना, 5 पेज को एक दिन में रिविजन किया, फिर अगले दिन 5 पेज को आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर जब तीसरे दिन बैठोगे तो वो 200 पेज को आप लोग एक बार रैंडमली पढ़ना है, ठीक है। और इस तरह करके आप लोग क्या करना है, 4 से 5 बार मल्टीपल काम, मल्टीपल इसको रिविजन करना है, ठीक है, जैसे है ना। तो मल्टीपल रिविजन करने से क्या फ़ायदा होगा ना, आपको दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा, और फिर मतलब 7-8 दिनों में देखोगे आपको मतलब कि याद होने लगे। फिर आप जब शुरू में जितना टाइम लगाते थे रिविजन करने में, अब सेकंड टाइम आपको रिविजन करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि रिविजन मस्ट है। और करंट अफेयर को आपको इग्नोर नहीं करना, बाकी साइंस है मैथ आपका बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर आपको ये एक्स्ट्रा नंबर दे, मान लो साइंस के कुछ क्वेश्चन नहीं बने, टफ क्वेश्चन आ गए, अगर आपने करंट अफेयर अच्छे ढंग से पढ़ा, 4-5 क्वेश्चन बन गए, तो समझो वो आपके लिए तो बेनिफिशियल है ना, वहाँ का जो गैप था उसको करंट अफेयर ने तो भर दिया। और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं देना है, करंट अफेयर से लोग डर जाते हैं, अरे डरना नहीं, बस 1 घंटा तो टाइम निकाल कर देखो और 4-5 दिन इस चीज़ को करके देखो, आपको करंट अफेयर का डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरह करके देखना। और करंट अफेयर का जो यूट्यूब पर समय देते हो, मतलब उससे अच्छा है कि आप एक बुक को खत्म कर दो, है ना, वो काफ़ी है। क्योंकि अगर जो यूट्यूब पर देख रहे हो इसको बुक करने के बाद अगर यूट्यूब किसी क्लास देखोगे तो आपको आधा चीज़ तो मतलब ऐसे ही लग रही है तो मैं तो सब पढ़ रखा, ठीक है। तो ये आपको करना ढंग से, और टेस्ट एकदम देना इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, इस तरह करके, है ना। और मैथ वगैरह जो है आपका रिवीजन कर रहे हो वो रिवीजन करो, और मैथ में उस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना जिस क्वेश्चन पे आप लोग अभी फंसते हो, स्टार्टिंग में फंसते थे, है ना, उस तरह मतलब क्रिटिकल वाले क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 बार देख लेना है। मतलब देखते देखते क्या होगा ना, वो आपके दिमाग में छप जाएगा, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा ही बनेगा, बस एग्जाम में भी आ जाए तो आपको पता चल जाएगा, अरे ये तो मैंने रिवीजन किया, इस टाइप का क्रिटिकल वाले क्वेश्चन है, इसको इस तरह सॉल्व करना, वो चीज़ देखना।